बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाहिर कराम अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सफ़र मार्फत पर हैं, सफ़र ज़ियारत पर हैं और हादीपुर मुसलसल जो है आप लोग उनके साथ कारवान के साथ करबला से नजफ़ की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ियारतें करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ज़ियारतें हो रही हैं अल्लाह की, उनमें से एक शरीफा बिनत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी है। ये मज़ार मुक़दस के जाहो जलाल और उसके जहशम से आपको महसूस हो रहा होगा, एक अजीम हस्ती है जिसके जनाबे जिनको जनाबे शरीफा बिनत इमाम हसन कहा जाता है। बहरहाल तारीख़ में इनका नाम सबत नहीं है, शरीफा ही जो लिखा गया बाज़ जगह पर, और हो सकता है नाम कुछ और हो, शरीफा इनका लक़ब हो और इसी शरीफा ही के नाम से ये मारूफ भी हो गई, क्योंकि शरीफा जो है बुजुर्गवारी के माने में होते हैं, मुक़दस के माने में होती है, इज़्ज़त मुआब के माने में इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती जिनके यहाँ से करामात ज़ाहिर हो रही हों, तो उनके लिए ये अल्फाज़ ये लक़ब जो है वाक़ियन ज़ेब देते हैं। इनको तबीबतुल अलविया भी कहा जाता है, यानी हाशमी डॉक्टर भी कहा जाता है इनको, तबीबतुल मालूलीन भी कहा जाता है, मरीज़ों की डॉक्टर भी कहा जाता है, और काज़ियतुल हाजात भी कहा जाता है, हाजतों को पूरी करने वाले। आप जब आ रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, वो शुक्रिया के बैनर लगे हुए जिन्हें लोगों को यहाँ शिफाएँ मिली हैं, थैंक यू बैनर वो उन लगाते हैं कि बीबी शरीफा आपका शुक्रिया कि आपने हमारे बच्चे को या फलां को आपने वो शिफा दी है। तो बहुत सारे लोग अक्सर जितने भी आप यहाँ देखेंगे तो जनाब शरीफा के यहाँ पर आते हैं, वो इनसे दुआ करते हैं, तवस्सुल करते हैं, तो अल्लाह शिफा अता करता है और इनके जो मन्नत भी हैं, इनके अमाल भी हैं, दस्तरखान पर आ लेके बड़ा वो है अमाल वगैरह जनाब शरीफा के नाम से। एक ये ज़ैर बहस है बात कि या आया जनाब इमाम हसन के शरीफा नाम की कोई बेटी थी या नहीं थी, खैर वो अलग मौजू बहस है, लेकिन शरीफा पर अमाल अल्लाह तक जाता है। तो से शाम जा रहे हैं तो यहीं से गुज़र हुआ, तो शहज़ादी जनाब शरीफा उस वक्त बीमार हुई और जो है यहीं पर इंतकाल फरमा गई, तो इनको यहाँ पर दफन कर दिया गया, ये बयान किया जाता है। खैर फिलहाल जो खुद बीमारी का आलम में गई हूँ, वो दुनियाए कायनात के बीमारों को शिफाएँ बख्श रही हैं, शिफाएँ तकसीम कर रही हैं। बहुत सारे लोग अपनी आंखों देख के यहाँ पर हम लोग देखे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी बरादरान जो आप ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन, उनमें उनका ताउन भी है और बहुत ही जल्दी 5-6 साल ही के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा रोज़ा आप देख रहे हैं तामीर ये कर दिया गया है। तो मेरा इसका मतलब ये है कि कोई आम हस्ती नहीं है, ख़ास हैं जिनको जो है तबीबतुल अलविया का लक़ब भी दिया गया। तो आज अज़ीम बारगाह में दुआ करते हैं जो बीमार हैं, परदगा उन सबको शिफाए कामिल अता फरमाएँ और हमें बार